तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने गूगल सर्च हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हो। तो इसी सेम टॉपिक पे मैंने एक साल पहले भी वीडियो बनाया था, उस पर एक साल में 2.5 मिलियन व्यूज हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितने लोगों को अपना सर्च किया हुआ गूगल हिस्ट्री डिलीट करना था। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। तो समय के साथ एप्स और वेबसाइट का यूजर इंटरफेस चेंज होता रहता है। तो अभी के समय में अगर आप गूगल सर्च हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पे मैं आपको स्टेप्स बताने वाला हूँ, तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने मोबाइल में गूगल को ओपन करोगे। गूगल सर्च का शॉर्टकट कई लोग अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे सेट करके रखते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे मोबाइल की होम स्क्रीन पे है। या तो आप डायरेक्टली गूगल का ऐप अपने मोबाइल में ढूंढ के ओपन कर लोगे। तो गूगल का ऐप ऑलरेडी हर मोबाइल में पहले से ही इंस्टॉल किया हुआ रहता है। आप चाहे कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करो, ये एप्लीकेशन आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा। गूगल ऐप ओपन करने के बाद टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पे आपको अपना प्रोफाइल दिखता है, सिंपली आपको इस पे क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, जो भी आप गूगल पे सर्च करते हो, चाहे आप गूगल ऐप के माध्यम से सर्च करो या फिर गूगल वेबसाइट पे जाके सर्च करो, वो सारी एक्टिविटी आपके गूगल अकाउंट में स्टोर होता है, सेव होता है। तो यहाँ पे आप जिस भी गूगल अकाउंट के सर्च हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हो, अर्थात एक्टिविटी को डिलीट करना चाहते हो, वो गूगल अकाउंट आपको सेलेक्ट कर लेना है। कुछ लोग एक से ज़्यादा गूगल अकाउंट भी अपने मोबाइल में यूज़ करते हैं, मीन्स एक से ज़्यादा गूगल अकाउंट साइन इन करके रखते हैं। तो गूगल अकाउंट चेंज करने के लिए सिंपली इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करोगे और जिस भी गूगल अकाउंट का, अर्थात जीमेल अकाउंट का गूगल हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हो, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं इस गूगल अकाउंट का सर्च हिस्ट्री डिलीट करना चाहता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा प्रोफाइल पिक्चर चेंज हो जाता है। अब आपको दोबारा से इस प्रोफाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जो भी आपने गूगल अकाउंट सेलेक्ट किया होगा। गूगल अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद अपने सर्च हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए आपको सर्च हिस्ट्री का ऑप्शन मिलता है इसके नीचे, इस पे क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, वीडियो यहाँ पे अभी आपको लास्ट तक देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी है, सारी चीज़ें समझ लेनी है, उसके बाद ही आपको अपने मोबाइल में प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है सेविंग टू वेब एंड ऐप एक्टिविटी, और जो भी मैं एक्टिविटी करता हूँ उसको डिलीट करने का ऑप्शन ऑफ किया हुआ है, मीन्स मैं जो भी एक्टिविटी कर रहा हूँ वो डिलीट नहीं हो रहा, सेव होता जा रहा है। तो अब आपको इसी एक्टिविटी को डिलीट करने के लिए, अर्थात गूगल पे आप सर्च ही करते हो, सर्च एक्टिविटी को डिलीट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है डिलीट का। तो जैसे ही आप यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करते हो, आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाता है कि आप आज के सर्च हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हो या फिर कस्टम रेंज सेलेक्ट करके दो डेट सेलेक्ट करके सर्च हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हो या फिर ऑल टाइम सर्च हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हो। अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, मैं ऑल टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है 5 प्रोडक्ट्स, मीन्स आप बुक्स, इमेज सर्च, न्यूज़ सर्चेस, वीडियो सर्च, इन सबको डिलीट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर लेना है या फिर आप एक एक करके भी सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिख जाता है, फाइनल यहाँ पे आपको डिलीट कर देना है। तो यहाँ पे गूगल एक्टिविटी मेरा डिलीट हो चुका है। अगर आप अपने लोकेशन हिस्ट्री को भी डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोकेशन हिस्ट्री को देख करके डिलीट कर सकते हो या फिर क्रोम हिस्ट्री को डिलीट करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हो दोस्तों, नीचे कोई भी एक्टिविटी शो नहीं हो रहा, नो एक्टिविटी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप किसी भी गूगल अकाउंट को डिलीट करना चाहते हो तो उसे कैसे डिलीट करना होता है, इस पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरा ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो यूजफुल रहा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।